पटना में पप्पू यादव किस तरह से देखी है बीजेपी पर गुस्सा हो रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया और पटना चुनाव पटना की जनता लड़ रही है, बीजेपी को हराएगी, कांग्रेस को जिताएगी। ये कभी पप्पू यादव जो हैं कभी अपना पार्टी में हुआ करते थे, इनका अपना पार्टी था, अब ये अपना इनका पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिए हैं और ये खड़ा है वहाँ से इनको कांग्रेस टिकट नहीं दी थी क्योंकि वो निर्दलीय खड़ा है। और क्या कुछ बोल रहे हैं बीजेपी को लेकर के पप्पू यादव, मोदी जी पर किस तरह से निशाना साध रहे हैं, चलिए वीडियो हम देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो कैसा लगा और पप्पू यादव के बारे में आपका क्या विचार आया है, क्या विचार आप रखते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के, कमेंट जरूर करिए। पटना साहब की जनता चुनाव लड़ रही है राहुल गांधी जी के हाथ छाप पर वोट डालने के लिए, इतना दिन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेंगे। नरेंद्र मोदी जी खुद ही किसान विरोधी, महिला विरोधी हो चुके हैं, युवा विरोधी हो चुके हैं, छात्र विरोधी हो चुके हैं, कितना दिन हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट, ये पेट भरेगा? कितना दिन आप इस्तेमाल कीजिएगा भगवान का? आप कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, भगवान ऊपर से आए हैं, तो ऊपर से आए तो जादू चमत्कार कर दीजिए। कितना दिन 5 किलो अनाज, ये इंदिरा गांधी का दिया हुआ और जो मनमोहन सिंह ने जो फूड अपराइट दिया था गरीबों का उसको बर्बाद करके 5 किलो में करवा तेल हो जाएगा 120 रुपया में, 160 रुपया में दाल सरसों तेल आइए सब्जी। देश का क्या मूड दिख रहा है सर आपको? लगता है देश का मूड राहुल गांधी जी को पीएम बनाने की ओर है। लोकल खबर के लिए और राजनीतिक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।